NRHM का पूरा नाम क्या है? NRHM का पूरा नाम क्या है? और एक क्वेश्चन था कि MB का पूरा नाम क्या है? MD का पूरा नाम क्या है? MB हाँ। अच्छा और एक क्वेश्चन MB मतलब वो कंप्यूटर वाला MB ना, मेगाबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट जीबी वाला MB जीबी वाला और उसमें एक क्वेश्चन था कि ये भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हाँ के बारे में, जिसमें कि वो काफ़ी कंफ्यूज जो ऑप्शन थे वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले थे। अच्छा वही सारे क्वेश्चन थे उसमें, कुछ नहीं था हाँ। और जो मैथ के क्वेश्चन थे वो काफ़ी यही आप ये अप टू टेन तक नॉट इंटीजर लेवल ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन का कि लगे कि हाँ वो हाइयर हो। अच्छा काफ़ी इजी था, क्वेश्चंस उतने टफ भी नहीं थे, लग भी नहीं थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लगे कि हाँ माइंड मूव करने वाले, लेकिन वैसे कुछ नहीं। रीजनिंग्स के क्वेश्चन बहुत बेटर थे। अच्छा सबसे बेस्ट रीजनिंग के सारे क्वेश्चन थे उसमें, से कोई भी इशू नहीं आए। सबसे डिफिकल्टीज जो था लगा वो एक दो मैथ में लगा। तो ओवरऑल पेपर के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट यस। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 80 उसमें कितने सही हो जाएंगे? मेरे 80 में अप टू 75 श्योर। 75 श्योर मतलब जितना भी मारा आपने सही मारा है? यस। तुक्का नहीं मारा है? यस। तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कौन से बोर्ड से फॉर्म भरा आपने, पटना कोलकाता रांची? नहीं मैंने यहाँ से भरा, इलाहाबाद से। तो घर से कितने दूर है सेंटर? मेरे घर से मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना? नहीं ये मैक्सिमम 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में आज? अबाउट 30% ओनली यस। अच्छा उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? यूनाइटेड नेशन हाँ यस। क्या था क्वेश्चन? वो था कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यूनिसेफ फुल फॉर्म ये था तो? कि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने कि जो बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है उससे जुड़ी हुई कौन सी संस्था जो कार्य करती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? अमेरिका की कौन सी? अमेरिका की संस्था यूनिसेफ है, तो उसी को हमने क्लियर किया। तो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से थे? करंट अफेयर से थे, स्टैटिक से थे, जनरल साइंस से थे? करंट के मात्र एक दो क्वेश्चन थे। सबसे बेस्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का कोविड 19 की पहली डेथ कहाँ हुई थी, वो थी महाराष्ट्र। अच्छा इसका मतलब कोरोना से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया? जी कोरोना से जुड़े क्वेश्चन शुरू हो गए। इसका मतलब फोर्थ फेज में कोरोना का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलने वाला है। जी हाँ क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि कोरोना का पहला क्वेश्चन फोर्थ फेज में। यस फोर्थ फेज में फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, जैसे सारे फ्रेंड्स पहले भी एग्जाम दिए कुछ लोग, उन लोगों ने बोला था कोरोना जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं था, अब आना स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। तो आपने फेज वन फेज टू फेज थ्री का एनालिसिस देखा? एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन में इजी टू मॉडरेट जो मैंने बोला वही है। नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ फेज वन फेज टू फेज थ्री का एनालिसिस यदि आपने देखा तो उसके मुकाबले फेज फोर का फर्स्ट डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये फेज फोर में फर्स्ट डे है थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा हाँ, क्योंकि उधर का जो पहले का फेज थे उसमें उतने क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं दिखा स्टूडेंट्स को, बट आज के क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। तो कोरोना से जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन था और भी क्वेश्चन था सिंगल वन जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले डेज में कोरोना के क्वेश्चन बढ़ने की संभावना पूरी है। हाँ पूरी है, मतलब स्टूडेंट्स को अब कोरोना को तो पूरा करके आना होगा जिस तरह से फेज वन फेज टू फेज थ्री महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे। आज जैसे आज पूछ दिया गया क्वेश्चन कि कोरोना की पहली डेथ का, शायद सर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि अब तक भारत में कोरोना से कितने डेथ हो, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बन सकते हैं इससे क्वेश्चन में 100% है। मतलब कोरोना को आपको मतलब कि रट करके महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? महात्मा गांधी का क्वेश्चन कोई ऐसा ही सुन नहीं। कांग्रेस अधिवेशन वगैरह से नहीं? स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं था। स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं था। आर्ट एंड कल्चर? आर्ट कोई स्टूडेंट बता रहे फीफा से कुछ क्वेश्चन था शायद? नहीं तो वो कुछ क्वेश्चन का टर्म्स चेंज था, फीफा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं था हमारा। आर्ट एंड कल्चर लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, वो सब का नहीं था। ये था कि ये हमारे यानी कि कहा जाए जनरल अवेयरनेस के तौर पे कहा जाए तो उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में थे, यानी करंट एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन डाला हुआ था जिसमें कि ये था आपका कि फतेहपुर सिकरी हाँ, फतेहपुर सिकरी का था कि इसमें से आपको ऑप्शनल चूज करना है कौन सही है और कौन नहीं है, वही है वही था, कुछ नहीं था इसमें। हाँ उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, इतिहास? हाँ हिस्ट्री से थी दो तीन चार क्वेश्चन थे हमारे। क्या था क्वेश्चन? पर एक क्वेश्चन हमारा था कि बंगाल से जुड़ा हुआ था, वीर सावरकर के बारे में था कि वह वहाँ पे एक आंदोलन चलाए थे उन्होंने, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था कि उन्होंने वहाँ पे स्लोगन दिया था कि भारत आजाद ना भारत आजाद राष्ट्र हित देश हित, ये उनका एक स्लोगन था, इसके आधार पर था वीर सावरकर क्वेश्चन।
ये था। और एक क्वेश्चन जो था हमारा वो था आपका इससे जुड़ा हुआ, भारत की, भारत भारत का जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपका सॉरी स्वाधीनता से जुड़ा हुआ था, आज़ादी को लेके, किसमें वो पहले कौन महापुरुष थे जो कि देश की आज़ादी में सबसे पहले आगे आकर उन्होंने अपना लड़ाई स्टार्ट किया था कि हाँ ये होना चाहिए देश में, यानी कि वो स्वाधीनता स्वाधीन भारत कब प्रथम बार पहला बार उसका सेलिब्रेशन कब हुआ। अच्छा अच्छा, स्वाधीन भारत का वही उससे जुड़ा था कुछ ऐसा क्वेश्चन। भारतीय स्मारक और स्थान, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, प्लेस वही तो मैंने बताया आपको कि जो फतेहपुर सिकरी सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और फिर से कोणार्क मंदिर जो है कहाँ पे, उसका सिर्फ ऑप्शन चुन रहे हैं इनमें से कौन अलग है बस। अच्छा वही था कुछ, कौन किसके साथ मैच नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश का मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल से कोई क्वेश्चन, आर्टिकल जुड़ा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार का ऐसा कोई क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, वह कौन सी ऐसी संस्था है जो बच्चों को पढ़ाई और बिछड़ों को मिलाने का काम करती है, वह यानी कि उसमें उसे मिशन वो क्या कहते हैं, तो मिशन मुस्कान जो है वो हमारा इसमें अभी तक भारत में सर्वोपरि है, उसी के लिए से आया था। अच्छा सर, स्पेस से कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, जीएसएलवी, बीएसएलवी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये था कि पहला इसरो के द्वारा पहला छोड़ा गया यान कौन सा था। अच्छा जी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन से यानी सभी के लगभग एक ही थे, मेरी बस आ गई, बस अब क्या गया। चलिए ठीक है, आप निकलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइनल मैसेज, अब बस रुकवा लीजिए। नहीं नहीं, बेस्ट ऑफ लक, यही बस है ना आपकी? नहीं नहीं नहीं, मेरे नहीं है। चलिए बस आने तक हमारे साथ बने रहिए थोड़ा सा। ओके, सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन, सरकारी योजनाओं से जुड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन मैंने तो बताया कि जो बच्चे यानी कि दूसरी चीज़ जो हायर चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे हायर पोस्ट के लिए, यानी उनके लिए आज का एग्जाम बचा नहीं था, कोई टफ नहीं था। अच्छा, क्योंकि जैसे जो जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये एग्ज़ाम उनके लिए लोअर लेवल पे आएगा, क्योंकि जैसे मैं भी खुद यूपीएससी का कैंडिडेट हूँ और मैं पीटी क्वालिफाई कर चुका, मेंस का मैं रियल प्रवेटिव कर रहा हूँ, मेंस की एग्जाम मैंने दे दिए, मुझे खुद देख के लगा क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सारा, लग ही नहीं रहा था कि मैं रेलवे का एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन में वैसे स्ट्रांगनेस नहीं दिखी मुझे, इसलिए मैंने सोचा नहीं, बच्चों को मैं यही कहूँगा जो और फ्रेंड्स हैं कि यार थोड़ा सा मेहनत करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई पक्का होगा सबका। अच्छा, सबको सबको यानी आपको, अन अकेडमी को, आपके उमंग को थैंक यू कि हम लोगों के साथ आप लोग जुड़ रहे हो, हम लोग से हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हो आप, थैंक यू आप लोगों का। तो यूपीएससी का पीटी कब क्वालिफाई किया आपने? मैंने यूपीएससी मैंने अक्टूबर में एग्जाम दिया था, अक्टूबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था, हमारा रिजल्ट यानी कि नवंबर तक आ गया था। अच्छा, और उसके बाद हमारा जनवरी में फर्स्ट फेज एग्ज़ाम कम्प्लीट हुआ। हाँ, जनवरी में 8 तारीख से 17 तारीख तक मेरा एग्ज़ाम था कंटिन्यूसली, और अभी रिजल्ट अवेटेड है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो बच्चों का छूट गया था एग्जाम कोरोना को लेके, उनका एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग का रिजल्ट भी अवेटेड रहेगा, तो यानी मार्च से श्योर है कि सारा एग्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी तक एक भी बार आप यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है? मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। और आपका कन्फर्म है कि क्वालिफाई हो जाएगा? मेंस भी मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। मेंस भी जी, मेंस मेंस का मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, पीटी मेरी निकल चुकी है। पीटी का रिजल्ट कब आया था आपका? मेरा नवंबर में आया था, नवंबर सॉरी माफ करें दिसंबर में। अच्छा अच्छा, दिसंबर में आया था और जनवरी तक रिजल्ट आ गया, नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट हुई है, और दिसंबर में एडमिट कार्ड भी हमारा आ गया था ये इसका मेंस का रिजल्ट के लिए। तो अभी आप मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? जी। तो मेंस के बाद इंटरव्यू? जी इंटरव्यू। तो आप श्योर है कि इंटरव्यू भी निकाल लेंगे? आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं श्योर बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू 100% निकालूंगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो यानी कि कहा जाए तो एक तरह की मैं दो क्लासेस को मैं ज्वाइन किया हूँ, ऐसा नहीं है मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट, मैं खुद को कहता है एक नॉबे सवार, लेकिन मैं नहीं कहता वह गलत है, इंसान को दो लोगों को लेकर हमेशा चलना चाहिए, सारे एक की सोच नहीं समझ में आए तो दूसरे की समझ में आएगी। जैसे मैं अन अकेडमी से भी क्लास कर चुका हूँ, और दूसरी बात है कि मैं अभी ये दृष्टि आई है दिल्ली से, मैं उनसे लाइव ऑनलाइन क्लास कर रहा था, उनकी भी क्लासेज अच्छी है, दोनों क्लासेज बेटर लगी, सबसे ओवरऑल अन अकेडमी और सबसे बेस्ट है अभी तक। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी कम स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि मैं मेंस भी निकालूंगा, मैं इंटरव्यू भी निकालूंगा, मेरा आईएएस बनना तय है, मुझे कोई नहीं रोक सकता? ये इसलिए कि मैं जान रहा हूँ कि मैं उस लायक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यानी जो एक आईएएस बनने का लक्ष्य जिसके अंदर यानी जो सपना आप लेके चले हो, यानी उसके लिए आप उस लायक मेहनत करोगे तो खुद ब खुद वो आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा,
ये यदि आप उसके लायक मेहनत करोगे नहीं, कहो कि मुझे आईएएस बनना है और आप पढ़ने का आपको जहाँ पे 8 घंटे का 10 घंटे का 12 घंटे का आप वापस पढ़ रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, उससे क्या कभी नहीं निकल सकता वो सक्सेस की, और वो रोड़ा बनते जाएगा, वो जितना कम टाइम वो रोड़ा बनेगा आपका। मतलब आपने उस अकॉर्डिंग मेहनत करी है तब जाकर के इतने कॉन्फिडेंस है क्या पा रहे हैं कि मेरा आईएएस निकलना तय है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, मैं उस लायक मेहनत किया हूँ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए, इंटरमीडिएट कब किए, कहाँ से किए? मैं मैट्रिक 2007 में, मैं 2009 में पास किया हूँ मैट्रिक। 2007 में मेरा बैक लग गया था। हा? मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ और इंटरमीडिएट भी मैंने वहीं से किया है। कब? इंटरमीडिएट मैंने 2011 में किया और मैं 2015 में मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया था। बीच में मैं एक साल अपना 2011 के बाद से 2011 के बाद से मैं एक साल बीच में गैप कर गया था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं स्पोर्ट्स को फोकस करता हूँ कि मैं फिजिकली चैलेंज नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं नेशनल गेम खेलता हूँ। बस आ गई क्या आपके? जी बस आ गई। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। एक कोई फाइनल मैसेज दीजिए जो भी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज और सिक्स्थ पेज वालों के लिए। अच्छे से मेहनत करें, जरूर निकलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। और उमंग स्टडी के साथ आप जुड़े रहे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपका कॉन्फिडेंस भी देख करके, एंड आपको हैप्पी जर्नी, साथ में विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। साथ में इन्होंने कहा कि ओवरऑल अन अकेडमी इज़ द बेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने और बहुत रिमार्केबल बात कही है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है आप उनको कंपेयर करके देख लीजिए, नो डाउट आपको अन अकेडमी का प्रोडक्ट मार्केट में जितने भी लोगों से आप कंपेयर करेंगे सबसे खरा उतरता हुआ दिखेगा। आप अन अकेडमी पर अभी भी डेडिकेटेड होकर के सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, आप सिंपली ग्रुप डी के लिए भी आप लोग जो है कि प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एनटीपीसी का सीबी टू मेंस के लिए भी आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ से आप लोग अपने डेडिकेटेड तैयारी कर पाएंगे। कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, सिंपली कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY, आपको 10% का डिस्काउंट मिलना तय है। साथ में आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था कि सर हम लोग फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। अन अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग में जैसे कि अपने आपको अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, रेलवे एग्जाम वहाँ पे साइनअप कीजिए, साइनअप करने के बाद स्टार्टिंग में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे में होता है ब्राउज वाले सेक्शन में, उसके बगल में दिखता है सिलेबस, सिलेबस के बगल में आपको दिखेगा टेस्ट, टेस्ट के ऊपर में दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी फ्री टेस्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे आपको इनरोल करने के लिए कहा जाएगा, इनरोल के बाद आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपने, और हम लोग शाम को फिर से आपके लिए 4:30 बजे लाइव आएंगे यहीं से I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। और आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट सजेशन भी चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग लाइव करें या नॉन लाइव करें, क्योंकि लाइव में थोड़ी सी क्वालिटी इतना अच्छा रिकॉर्डेड वाला नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइव में हाई स्पीड इंटरनेट सही होता है, सेंटर के बाहर से हम लोग सीधा लाइव करते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी इंटरनेट नहीं हो पाती है, तो आप लोग लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए ये भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपका समय है अब सीरियस हो जाने का, आप देख सकते हैं कोरोना का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा जा रहा था लेकिन कोरोना का क्वेश्चन पूछा जाना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, वही जो नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसी नॉर्मल पैटर्न पर मत रहिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।